बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैं अपने घर में खैरियत ऑफिस से होंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें इस मेरे चैनल को। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है और जो वीडियो है वो बनने वाला की है ग्रोसरी के ऊपर। सो मुझे कुछ चीज़ें वगैरह लेके आनी थी, जो ग्रोसरी से रिलेटेड चीज़ें लेके आनी थी, और अपने लिए मेरे मिटनेस स्नैक्स थे ना वो भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, आज चलते हैं और जाकर लेके आते हैं, और आपको आज की लोकल जो मार्केट है यहाँ की मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो ये है कि और इंतज़ार ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मार्केट। सो गाइस, फाइनल मैं आ गया हूँ अड्डे पे, और ये यहाँ का अड्डा है, मेन अड्डा, जो आपने आगे भी मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा होगा। सो आप फिर देख लें ये अड्डा, और साथ ही इसकी ना दुकानें वगैरह जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से आप अपनी ग्रोसरी वगैरह दूसरी चीज़ें की आइटम्स वगैरह हैं वो ईज़िली परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर शुरू में फलों की दुकानें हैं और आगे जाके मार्केट शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हमें मार्केट में जाना है, फलों वगैरह की दुकानों पर नहीं जाना। एक तो वो सामने मार्केट है और एक ये इधर वाली मार्केट है। तो पहले मैं इधर वाली मार्केट पे जाऊंगा, फिर बाद में आगे वाली मार्केट में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले मेडिसिन लेनी है और मेडिसिन उस मार्केट से नहीं मिलती। सो चलें आप पहली मार्केट में चलते हैं और जाके मेडिसिन वगैरह लेते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ उस अंदर से भी ये मार्केट। तो ये है सारी अंदर की मार्केट। टेम्पा एम दे दें वो वाली 12.5 और वो 1000 mg नहीं, उसके अलावा दे दें लोपरिन दे दें एक दो पत्ते। उस नहीं, डब्बी कितने की है लोपरिन की? डब्बी सस्ती 56 रुपये दे देंगे। उसके अलावा ना वो दे दें एक न्यूबर 4 के दो को पत्ते दे दें, बस यही। सो गाइस, मैंने उनको मामा की मेडिसिन वगैरह हैं वो लिखवा दी हैं और उन्होंने लिख दी हैं, और वो हम निकाल के देंगे। सो यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद इनके उसके ऑपोजिट साइड पे ही दूसरी कुछ चीज़ें हैं ग्रोसरी वगैरह के लिए, बहरहाल उधर चलते देखेंगे, और उधर से भी अगर कोई चीज़ें वगैरह लेनी होंगी तो मैं लूँगा। पर उससे पहले ये देखें, ये सारा वो है दुकान है यहाँ, मतलब इस साइड पर जो है ना वो सारी वो हैं मेडिसिन वगैरह। तो ऑब्वियसली पहले मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी साइड पर जाएंगे और दूसरी साइड से चीज़ें वगैरह लेंगे। तो यह कि मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से वो हैं कि मेडिसिन वगैरह पैक कर दें, तो फिर हम उस साइड पर चलते हैं। सो अब ये है कि मैं मेडिसिन वगैरह ले ली थी, और इधर मैं आ गया हूँ सेक्शन के अंदर, ये नीचे वाला सेक्शन है, और इधर से मैं लूँगा एज़ यूजुअल अपने स्नैक्स वगैरह। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे ये लेज के पैकेट वगैरह होगी, ये मैं इतनी दफ़ा खा चुका हूँ कि अब मेरा ना दिल नहीं करता। और स्निकर्स जो इनके पास हैं वो पर्पल में पिज़्ज़ा फ्लेवर के अंदर आते हैं, वो आने बंद हो गए हैं, पता नहीं क्या वजूहत है। तो ये है कि इसके अंदर जो लेज है उसके अंदर एक फ्रेंच जो है वो पसंद है थोड़ा बहुत, और एक साल्ट, बस और कुछ नहीं। और उसके अलावा ये चीटोस वगैरह तो वाकई में मुझे बड़े फेवरेट लगते हैं, तो मैं अभी भी ये लेता हूँ और खाता हूँ, क्योंकि इसके साथ ना थोड़ा बचपन मेरा जुड़ा। बचपन में आपको याद है कि वो चीटोस के अंदर से वो निकलते होते थे, बेन टेन के वो कार्ड्स निकलते होते थे, वो हम प्ले करते होते थे। अगर आपको रिमेंबर है तो आपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत खेले हैं और बहुत हम वो खेलते होते थे। उसके साथ काफ़ी चीज़ें भी बनती होती थी, और फिर हम उसकी गेम वगैरह भी मतलब कि किसका एलियन ज़्यादा ताकतवर है, उस लिहाज से हम उसकी गेम वगैरह भी खेलते होते थे। पोकेमोन के भी इस तरह कार्ड्स निकलते होते थे, वो भी मैंने काफ़ी खेले हैं। तो और इसके साथ ना थोड़ा बहुत बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, इस वजह से अच्छे लगते हैं। तो अदरवाइज़ इतना नहीं होता है, पर यह कि बचपन चीज़ें। और यहाँ पर देख लें लेज वगैरह वीविज वगैरह पड़ी हैं, अक गया दिल, कुछ खाने का दिल नहीं करता है। पर अब चलते हैं आगे और कोई और चीज़ें वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे ना डाइजेस्टिव के ये बिस्किट हैं, और ये बिस्किट बहुत मज़े के होते हैं, और आई थिंक ये शुगर फ्री बिस्किट हैं, और मैं सिर्फ यही खाता हूँ। तो अगर हो सके तो आप भी ट्राई करें, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और अगर आपको बिस्किट वगैरह खाने हैं तो आप ये वाला ट्राई करिएगा डाइजेस्टिव के। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस ये वैसे ही अच्छी हैं बिस्किट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें वगैरह, और बाकी ये शॉपर में भाई पैक कर रहे हैं, और ये पर्ची मेरे हाथ में, बिल मेरे हाथ में ऑब्वियसली, तो ये बाद में जाके मैं पे करूँगा। बहरहाल इसके बाद इनका दूसरा जो सेक्शन है वो है उस साइड पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ और चीज़ें वगैरह लेनी है। तो इनको यहाँ पे भाई को छोड़कर हम आगे चलते हैं, और यहाँ से मुझे शैम्पूज़ वगैरह लेनी है, और क्योंकि एक दो और चीज़ें लेनी है। और वैसे जो है कि देख लें, यहाँ पे जो भी शैम्पू है
आप अपने मुताबिक आपको जो आपको सूटेबल लगती है वो लगाएं, पर मुझे क्लियर की शैम्पू बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं क्लियर की शैम्पू यहाँ से भेज सकूँगा कि वो दे दें मुझे। तो बाकी ये है कि भाई आते हैं तो भाई भी मुझे देते हैं ये शैम्पू। ये नहीं नहीं क्लियर की, क्लियर की, हाँ जी। सो नाउ इस पेमेंट टाइम, मैं पेमेंट वगैरह करके थोड़ी देर बाद आपको बाहर जाके मिलता हूँ, तो इसके लिए छोटी सी ब्रेक। सो गाइस मैं बाहर आ गया था और अब मैंने जा रहा हूँ दूसरी शॉप पे जो कि ये सामने ही है, और यहाँ से मैं बेकरी की चीज़ें वगैरह लूँगा, और अगर इधर भी मुझे कोई पसंद की चीज़ आ गई जेन में, मतलब कि यहाँ पे लेस वगैरह यहाँ पे फ्रंट पे ही पड़ी होती हैं, तो अगर मेरा कुछ दिल कर गया लेने वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे भी सारी लेस की ही ऑप्शन हैं, कोई मतलब कि और चीज़ नहीं है जो बंदा ले सके यार, क्योंकि खा खा के बंदा अक जाता है ना एक चीज़ ओबियसली, तो इसलिए ना बंदा चेंज करें। बहरहाल अभी मैं यहाँ से कुछ लूँगा नहीं, बात की बात बाद में देखी जाएगी। तो मैं आगे चलता हूँ, और आगे जाके मैं यहाँ से बिस्किट लेने हैं मुझे बेकरी के, जो कि इस सेक्शन पे हैं, और ये बाकी आप चीज़ें वगैरह जो हैं वो आपने वैसे मेरी प्रीवियस ब्लॉग में भी ये देखी हुई हैं, और यहाँ पे ना रसमलाई, केक्स और जूसेस और बोतलें वगैरह और आइसक्रीम वगैरह सारा कुछ इस साइड पे सेक्शन पे लगा होता है, और इस साइड पे सारा बेकरी का सामान है, और आगे तरह चीज़ें जो है पिज़्ज़ा वगैरह जो चीज़ें जो दूसरी बेक होने वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ भाई का कि वो आ जाए और आके मुझे चीज़ें वगैरह दे दें, तब तक आप एक दफ़ा 360 व्यू ले लें पूरी मार्केट का, जो कि यहाँ पे चीज़ें वगैरह मिल रही हैं और दे रहे हैं। तो यह है कि अब मैं भाई का वेट करता हूँ, और भाई को आते हैं तो भाई को कहता हूँ कि मुझे वो दे दें बिस्किट वगैरह दे दें। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, मैंने ये चीज़ें वगैरह ले ली हैं, और इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। फिलहाल अब घर चलते हैं, यहाँ पे लाइट भी बंद हो गया तो इतनी रोशनी वगैरह नहीं है, तो मैं आपको घर जाके सीधा मिलता हूँ। सो मैं घर वापस आ गया हूँ, और मैं अपनी जो चीज़ें वगैरह हैं वो साइड पे एक शॉपर में करूँगा, बाकी सारी चीज़ें निकाल के साइड पे करूँगा। सो ये बिस्किट वगैरह मैं चीज़ें वगैरह निकाल दूँ, और जो शैम्पू वगैरह ली थी वो चीज़ें वगैरह मैं निकाल दूँ। ओके ये वाले बिस्किट भी लिए थे, ये भी अच्छे होते हैं बाय द वे, ये मैं तब बना नहीं सका था। और ये कि दूसरी जो चीज़ें वगैरह मैंने एक दो ली थी वो मैं एक लादा सी शॉपर में अब ले कर जाके अपने बेड पर रख दूँगा, ताकि रात के अगर ज़रूरत के लिए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है कि मैं निकालूं या ढूंढूं। और ये मेरा तैयार हो गया, और अब मैं जाके रखता हूँ बेड के ऊपर, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी अपनी अपनी जगह पे रख देंगे, टिकाने पे रख देंगे, क्योंकि बेहतर यही रहता है। तो ये बिस्किट वगैरह हैं, और अच्छा यार वाकई में बड़ा मुश्किल होता है यार एक हाथ से दोनों काम करना, कि आपका बिस्किट भी आप संभाल के रखो और दोनों एक हाथ से वीडियो भी शूट करो, तो बड़ा मुश्किल होता है काम यार। इसी चक्कर में यार अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, और मेरे लिंक अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और पसंद करें। सो बाकी ये है कि अभी चीज़ों को भी अपनी जगह पर रखते हैं, और पैक वगैरह करके चीज़ें रखते हैं। सो यहाँ से सबसे पहले मैं उठाऊँगा यहाँ का बॉक्स, ये बॉक्स है जिसके अंदर हम ना अपने बिस्किट वगैरह मामा अपने ना डाल के रखती हैं इसके बेकरी के, और ये बड़ा अच्छा जार है यार, इसके अंदर ना वो नहीं होता जो मतलब कि हवा टाइट नहीं आती, हवा अंदर जाती नहीं है, बाहर नहीं आती है, तो इसलिए बड़ा सही रहता है सिस्टम। अच्छा भाई पहले जब बिस्किट वगैरह लेके आते थे वो ऐसे पड़े रहते थे, तो वो क्या उसे कहते हैं बिस जाने थे, क्योंकि सिर्फ अम्मा ही खाती हैं और कोई खाता नहीं शौक से, तो इस वजह से या कोई मेहमान मेहमून आ जाए तो। बट ये है कि ये जार के साथ बड़ा सही, एक दो दिन आराम से बल्कि ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। तो ये एक चीज़ अच्छी चीज़ है जो कि भाई लेके आए थे यासिर भाई कराची से, तो उन्होंने वहाँ से ये ख़रीदा था, जार वगैरह यहाँ का नहीं है। सो ये एक बात चीज़ है जो हमारे घर में कराची की भी है। तो खैर अब ये चीज़ें वगैरह पैक करके रख दी हैं और रखेंगे, और बाकी ये है कि ये बिस्किट वगैरह पैक करके मैं अपनी जगह पर रख दूँ, ये बिस्किट इधर पड़े रहेंगे क्योंकि और चाहिए नहीं है, किधर पड़े रहें इधर ही पड़े रहते हैं, यहाँ से निकाल के जब मर्जी खा लो निकाल लो, कोई मसला नहीं है। तो अब यह कि सारा कुछ मैंने रख दिया है, और अब हाँ और कुछ काम वगैरह इतना है नहीं था, सारा चीज़ें मैंने कर ली हैं। सो फाइनली गाइस मैं वापस आ गया हूँ, और मैंने जो है सारी चीज़ें भी अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं, और मैंने वो शॉपर भी ला के इधर रख दिया है, और अब मैं आराम से उनसे बैठ के खाऊंगा, तो वो चीज़ बात की बात है और बाद में मैं करूंगा। तो ये है कि आज का व्लॉग यही था, और आज की वीडियो भी यही थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल के, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जैसे मैंने आपको पहले कहा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरे फैमिली फ्रेंड के साथ भी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।